बुधनी के ग्राम जोशीपुर व बांगवाड़ा में राजस्व माइनिंग की संयुक्त कार्यवाही की गई, जिसमें 9 डंपर एक जेसीबी मशीन जब्त की गई। माइनिंग अधिकारी आरिफ खान, माइनिंग इंस्पेक्टर पूजा वनखेड़े, संदेश पिपलादिया, एसडीएम शैलेंद्र सिंह हिनोतिया, तहसीलदार अभिषेक शर्मा सहित पुलिस अमले ने कार्यवाही। काफी लंबे समय से रेत का अवैध कार्य किया जा रहा था। आज जोशीपुर और बांगवाड़ा खदानों में सीमांकन का कार्य चल रहा था। सीमांकन के दौरान मौके पर वहाँ पे बगवाड़ा गांव के अंदर एक जेसीबी और 60 डंपर पाए गए। जेसीबी द्वारा डंपरों के अंदर रेत भरी जा रही थी, वहाँ पे अवैध रूप से भी रेत एकत्रित थी। उसी दौरान ये कार्रवाई की गई और 2 डंपर शामिल के अंदर पकड़े गए हैं। पता को एक जेसीबी और 9 डंपरों पर कार्रवाई की गई। अभी सर आपके यहाँ पे जहाजपुरा की खदान काफ़ी चर्चित हो रही है, तो क्या कारण है सर उसको? नहीं, पंचायत को हस्तांतरित खदान है वो, और कल ही उसका सीमांकन कार्य किया गया है राजस्व विभाग द्वारा। और चूँकि वहाँ रेत उपलब्ध है, इसलिए वहाँ विक्रय भी ज़्यादा हो रहा है। सर जानकारी लगी है 3 रकबे हैं वहाँ पर, तो कौन सा रकबा पंचायत को दिया गया है? 23-23 के 2 हैं और 1 18 का है, और तीनों उससे पूरी रेत उठाई जा रही है। 3 खदानें हैं जहाजपुरा में, 3 बागों निर्धारित की है, जहाजपुरा 1, जहाजपुरा 2, जहाजपुरा 3। जी, जो उनका हस्तांतरित खदान है जहाजपुरा 3, उसका सीमांकन कार्य कल सीमांकन कार्य किया। कौन से नंबर की सर उनकी? खतरा नंबर मुझे याद नहीं है, जहाजपुरा 3 के नाम से। बाकी खदानों से जो माल उठाया था, क्या उसकी जांच की जाएगी? वो तो सीमांकन के दौरान स्थिति स्पष्ट होगी, उसका प्रतिवेदन अभी तैयार किया जा रहा है। दूसरा सर, सिवा कॉरपोरेशन का वहाँ पर स्टॉक है और उनकी जो खदान है वो चारुआ गांव में है, तो क्या ये दूसरे गांव में अपना स्टॉक कर सकते हैं? दूसरी ग्राम पंचायत में अनुमति है आपके यहाँ से? हाँ, रेत नियमों में कोई भी व्यक्ति कहेगी स्टॉक की परमिशन ले सकता है। शिवा को स्टॉक की अनुमति चारुआ में दी गई है।